अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको वेलकम हदीजा के किचन में। आज हम आपको दम का आमलेट बनाना सिखाएंगे, स्पेशली सहरी के अंदर, के रोज़े के दौरान आपको एसिडिटी फील ना हो। आपने ये रेसिपी बड़े ध्यान से देखनी है, इसको बनाने का तरीका देखना है। इसके अंदर जो चीज़ें यूज़ होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने तकरीबन एक या दो टमाटर लेने हैं, प्याज लेना है, हरी मिर्चें हैं, इसके अंदर लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है, और 3 अंडे लेने हैं। यानी ये इस सामान के साथ तो तकरीबन 4 से 5 बंदे इजीली सैरी कर सकते हैं। जो स्पाइस आपने इसके अंदर यूज़ करने हैं वो आपने हसबे जायका यूज़ करने हैं, नमक, हल्दी और लाल मिर्च, जिस हिसाब से आप अपने हसबे जायका यूज़ करते हैं वो आपने डाल देने हैं। चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक पैन के अंदर घी या तेल डाल लेना है, उसको गर्म कर लेना है। सबसे पहले इसके अंदर हम प्याज डालेंगे, प्याज को आपने आग तेज करके तकरीबन गोल्डन फ्राई कर लेना है, ज़्यादा नहीं कि जल ना जाए, बस इतना अगर आपने करना है कि ये थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। प्याज जब हल्की सी अंदर बदलने ना थोड़े, आपने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देना है। टमाटर और प्याज को आपने इकट्ठे करके जब जान हो जाए, टमाटर और प्याज की कंडीशन आप देख रहे हैं, यानी ये नरम होना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड करेंगे। सबसे एंड पे आपने हरी मिर्ची इसके अंदर डालनी है। अब इसके अंदर जो स्पाइसेस हैं वो भी हम मिक्स कर देंगे। ये जो सारा मसाला जो अंडे के अंदर ऑमलेट के अंदर डलता है, इसको हमने अलग से तैयार कर लिया। ये जितने मसाले हैं इनको पहले तैयार कर लेना है। उसका फायदा ये है कि रोजे की हालत में जो एसिडिटी हो जाती है, खट्टे जगार आते हैं, कोई ऑमलेट खाने की वजह से नहीं आएंगे और ना ही प्याज आपको प्यास लगेगी। यानी ये स्पेशल रोजे की हालत में, वैसे आमतौर पर अंडा खाने से सारा दिन दिकार और एसिडिटी और प्यास भी ज़्यादा लगती है। इस ऑमलेट का आपको बेनिफिट ये है कि ये सब सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे। आपने हरी मिर्चें, टमाटर, प्याज और तमाम मसाले डाल के इनको पहले पका लेना है। अब ये तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है। और अंडे घोल के आपको बताता हूँ कि इसको कैसे आपने इसके अंदर मिक्स करना है। ये अब आप देख रहे हैं कि हमारे आमलेट का जो हरा मसाला है वो तकरीबन रेडी है। अब हम कोशिश करके इसमें से जितना भी हम इसको आग से हटा लेंगे। आपने अंडे अलग से घोल लेने हैं, गर्मियों का सीज़न है, ये आपने ध्यान रखना है कि हर अंडे को अलग से एक बाउल में निकाल के फिर इकट्ठा करेंगे। एक ही दफ़ा एक ही बाउल के अंदर अंडे ना फेंकते जाए, तो एक आधा अंडा भी गंदा उसके अंदर शामिल हो गया तो सारे अंडे खराब हो जाएंगे। से जो तेल है वो हमें अलग से एक बाउल में निकाल लेना है। अब बाकी का जो मसाला हमने रेडी किया है वो हमने अंडे के अंदर मिक्स कर लेना है। अब ये सारा सामान जो है हम इसको बाहर से दोबारा फेंट लेंगे। आपके सामने नजर आ रहा है जो मसाला हमने रेडी किया था वो हम अंडों के अंदर डाल के बाहर फेंट लेंगे। अब ये अच्छी तरह जब मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम दोबारा से बाउल के अंदर घी डाल के, जो हमें जरूरत है ऑमलेट को, उसके अंदर डाल के हम इसको दम के ऊपर पकाएंगे। अब जो लगा से हमने
और निकाला था बाउल के अंदर, उसको हम दोबारा से पैन के अंदर डाल के जो हमने अंडा तैयार किया था गोला था उसके अंदर मसाला डाला था, अब उसको दोबारा से हम पैन के अंदर डाल देंगे। आपने इसको बराबर करके आपको थोड़ा सा हल्का कर देना है और इसको दम के ऊपर रख देना है 5 से 7 मिनट के लिए। 2 से 2.5 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। आपके सामने कितना खूबसूरत नजर आ रहा है, आपने इसकी साइड चेंज करके अब इसको फिर दम पे रख देना है। ये देखिए जी आमलेट हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है, दोनों साइड इसकी पक गई हैं। अब हम इसको आराम से प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑमलेट तैयार हो चुका है। इस ऑमलेट की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि आपको रोज़े की हालत में एसिडिटी नहीं होगी और ना आपको प्यास लगेगी। बराए मेहरबानी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेहरबानी जी, अल्लाह हाफ़िज़।